नमस्कार, मैं हूं रिकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। आप पटना में हूं, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं अब पटना में बिहार दिवस कितने उत्सुकता से मनाया जाता है, कैसा मनाया जाता है। बाकी आप देख पा रहे होंगे पीछे कितना सुंदर गेट सजा है। मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशनल टूर अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं। यहां पे जितना भी चीज आप देखने को देखेंगे अभी अंदर, वो एजुकेशन से रिलेटेड बिहार में कितना एजुकेशन में आगे बढ़ा है क्षेत्र, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आप अभी अंदर आ चुके हैं एजुकेशन वाले क्षेत्र में। ये जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, ये नीतीश कुमार जी हैं, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री। और उधर भी एक बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें आनंद सर का फोटो बना हुआ है, जिसे पंचश्री के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं वो। तो ये जो नीतीश कुमार का फोटो देख पा रहे होंगे, ये फोटो कोई आम फोटो नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर कोई आम पिक्चर नहीं है, ये धागे से बना हुआ है। ये धागा से पूरा, ये नजदीक जाएंगे आप तो अच्छे से नहीं दिखेगा, बाकी दूर से आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा, ये पूरा अच्छे से पिक्चर दिखेगा। ये नीतीश कुमार का पिक्चर है, महात्मा बुद्ध, ये सारा पिक्चर आपको धागे से बना हुआ है। बाकी मैं आपको बताऊंगा भी यहाँ अगर कोई हो तो किस चीज से बनाया गया है ये पिक्चर। बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, बाकी मैं यहाँ जानने का भी प्रयास करूंगा किस चीज से ये पिक बना है। एक्सक्यूज मी, आप लोग बनाए क्या पिक यहाँ? कौन आप बनाए क्या? अच्छा, पेंटिंग बना रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, यहाँ ढेर सारा चीज है, जैसा आपको एक एक करके मैं आप हर एक चीज आपको दिखाऊंगा। यहाँ कुछ लोग लाइव स्केच भी बना रहे हैं, स्केच कर रहे हैं। मैम है, बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। बिहार में कितनी कला है मैं आपको वो दिखाने का प्रयास करूंगा। आइए एक बार बताते, क्या नाम है सर आपका? प्रवीण प्रकाश। आप लाइव बनवाने आए हैं, फोटो बनवाने आए हैं जी? मैम क्या नाम है आपका? निशा। आप मतलब देख के लाइव फोटो बनाती है आप? हाँ। कैसे बनाती है मैम, कुछ इसके बारे में बताएंगी आप? पेंसिल से बनाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा आपका स्केचिंग होते जाएगा और आप पोर्ट्रेट अच्छा बना पाओगे। तो आप इसका कहीं से क्लास किए हैं मैम आप? हाँ, मैं उसमें फाइन आर्ट कॉलेज में हूँ, बीएफए कर रही हूँ अभी। तो अभी बिहार दिवस के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बिहार दिवस में आप पेंटिंग्स देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ पे गेम्स लगा हुआ है और बच्चे लोग आए हुए हैं, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। वो पेंटिंग जी पेंटिंग ये जो हम ही लोग क्लास वाले सब अच्छा, आप ही लोगों ने बनवाया है? हाँ। अच्छा, कैसे बना है कुछ बताएंगे उसके बारे में? थ्रेड से बना, ये रहा वो बना है, ब्लैक ब्लैक। जैसा कि अभी आप एक पिक्चर देख रहे थे, जो मैंने आपको बताया थ्रेड धागे से बना हुआ है, जिसने बनाया है वो उनसे मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमन कुमार चंद्रवंशी। सर कैसे बना है ये धागे से, कितना मुश्किल रहा होगा? मुश्किल है, बनाना तो मुश्किल ही है सिर्फ धागे से। कैसे बनाते हैं सर? कैसे बनाते हैं ये धागे के, जैसे जिस तरह हम लोग स्केच करते हैं उस तरह धागे को भी उसी तरह चलाना पड़ता है, डार्क एंड लाइट शेड को पकड़ना पड़ता है। तो क्या इसका कोई मशीन होता है या नहीं? ये हाथ से बना हुआ है, पूरा हाथ से बना हुआ, पूरा हाथ से बना हुआ। एक पिक्चर बनने में कितना टाइम लग जाता होगा? एक पिक्चर बनने में जैसे सीएम साहब का पिक्चर बनाने में लग गया 15 दिन। 15 दिन लगा? हाँ। ये 15 दिन की मेहनत है। अच्छा, नजदीक से उतना प्रॉपर नहीं दिखता है, लेकिन जितना दूर जाते हैं उतना अच्छा दिखता है। जी, बिल्कुल उतना ही प्रॉपर दिखेगा जितना दूर से देखेंगे। उसका कला को क्या बोलते हैं? कुछ थ्रेड आर्ट, थ्रेड आर्ट बोलते हैं जी। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे थे थ्रेड आर्ट, अब पीछे अभी लाइव स्केच भी कर रही है मैम। थ्रेड आर्ट अभी आपको मैंने दिखाया, जैसे ही आप अंदर घुसेंगे यहाँ पे आपको वहाँ आनंद सर का है, यहाँ नीतीश जी हैं, और भी ढेर सारा पिक्चर यहाँ बना हुआ है। बाकी और भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अंदर भी आपको टूर करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहे लाइव, धन्यवाद।